कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है, इट्स लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे, जैसा कि हमारे 2016 में हमने देखा, 2019 में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो नहीं आ रहे थे यहाँ पे, बहुत सारी हालात ख़राब हो गए थे, तो बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं वो बहुत बंद भी हो गए थे उनकी वजह से, तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो बिजनेसेस अगेन स्टार्ट हो गई, कश्मीर क्राउड्स वगैरह जो हैं वो वापस से उठ गया वीकेंड से, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो सर जैसा कि आज 2023 जो है जा रहा है, आपका ये साल कैसा रहा? एक साल जो आता है वो अपने साथ साथ कहीं खुशियाँ कहीं गम लेके आता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कईयों के लिए खुशियाँ भी लाता है और गम भी लाता है। मेरे लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो इट वॉज लाइक खुशियाँ भी थी और कुछ गम भी थे, बट हमें चाहिए कि हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहिए। जो गम होते हैं वो हमें एक्सपीरियंस देते हैं लाइफ का, और खुशियाँ जो है वो तो आ ही जाती है। इंशाल्लाह अगला साल जो है वो भी खुशियों से भर के होगा हमारे लिए इंशाल्लाह। तो सर आपकी क्या विश रहेगी जो 2024 आ रहा है, इसके रिलेटेड आपको पूरे कश्मीर के आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी और क्या विश रहेगी? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब अच्छे से एंजॉय करें, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, दैट्स ऑल वी कैन डू, एंजॉय करिए बस, जो गम बाकी जो दूसरा पार्ट है लाइफ का वो भी आप अच्छे से एक्सपीरियंस कीजिए, एंड वेट फॉर योर लक, एंड आई विश यू लक एवरीबडी, आई विश यू एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।